ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर का की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, उनके साथ वर्कर्स मौजूद हैं। आवासीय परिसर का शिलान्यास कार्यक्रम है, बीजेपी का एक बेहतरीन ऑफिस बना है, उसके बाद अब आवासीय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद उन वर्कर्स के साथ मौजूद हैं जो इसमें अपना योगदान देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय पहुँचे हैं, जहाँ पर मौजूद वो लोग जिन्होंने इसमें योगदान दिया है उसके साथ बात कर रहे हैं। इसमें पीएम मोदी हैं, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा मुरली मनोहर जोशी भी पहुँचे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हैं बीजेपी के दफ्तर की, जहाँ आवासीय परिसर और ऑडिटोरियम का शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। एक बड़ा ऑफिस बीजेपी ने बनाया था, जिसका उद्घाटन कुछ वक्त पहले ही किया गया था। अब वहाँ एक आवासीय परिसर और एक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। हाईटेक ऑफिस के बाद अब रेसिडेंशियल ब्लॉक, उसके साथ साथ ऑडिटोरियम, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद करने पहुँचे हैं बीजेपी दफ्तर, जिससे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें, पीएम मोदी और अमित शाह वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं उसमें आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिन लोगों की मेहनत से ये सब कुछ बनकर तैयार होता है, उसमें से कई ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उन सब के साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाया, उन सबों से बात भी की। और एक अगर हम तस्वीरों पर नज़र डालें तो अब एक आवासीय परिसर बनेगा, जहां रहने की व्यवस्था होगी जो भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शिलान्यास किया जा रहा है, यहां आप तस्वीरों में देखें, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र। आज प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर उन्होंने सांसदों को कहा कि आप जाइए और लोगों के बीच और उसको बताइए। अब उन्होंने उस आवासीय परिसर का और साथ ही ऑडिटोरियम का शिलान्यास बटन दबाकर किया है। तो बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय परिवेश में अगर देखें तो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र। प्रधानमंत्री अभी संबोधित भी कर सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के सांसद मंत्री सभी मौजूद हैं इस मौके पर का गवाह होने के लिए। अखिलेश हैं हमारे साथ, अखिलेश जरा इस पूरे कार्यक्रम पर रोशनी डाल दें। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि बीजेपी के जो हजारों कार्यकर्ता हर महीने दिल्ली आते हैं अपने नेताओं से मिलने के लिए, उनको रुकने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है, तो उन्हें कई इधर उधर की व्यवस्था करनी होती है, तो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह हल ढूंढा गया है। और बीजेपी का जो मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके ठीक सामने ये भव्य ऑडिटोरियम और साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय परिसर बनाया गया है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उद्घाटन कर रहे हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें ऑडिटोरियम भी है, जो बड़ी सभाएं बीजेपी की होती है, जो कि हम देखते हैं लगातार कि वो बीजेपी मुख्यालय की चीजों पर ही संबोधन होता है, अब आगे से उसकी स्थिति नहीं बनेगी। बल्कि जो नया ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसका जो उद्घाटन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां पर ये तमाम बड़ी सभाएं आयोजित हो सकेंगी। ये बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर संगठन महामंत्री और मंत्री स्तर के जो नेता आते हैं दिल्ली में अलग अलग राज्यों से, उनके रहने की सुविधा भी इस आवासीय परिसर में की गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो दिल्ली बीजेपी है उसका भी कार्यालय इसी दीनदयाल मार्ग पर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर इसका भी उद्घाटन कुछ समय बाद होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि बीजेपी लगातार जो अपना विस्तार कर रही है और जो सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो नया ऑडिटोरियम है, सभागार है, और साथ ही आवासीय परिसर है, जहाँ पर की बीजेपी के देश भर के संगठन महामंत्री और मंत्री स्तर के नेता आ सकते हैं, रुक सकते हैं,
और साथ ही जो वरिष्ठ प्रचारक नेता हैं वो भी इस आवासीय परिसर का उपयोग रहने के लिए कर सकेंगे। और यहाँ से आने जाने में बहुत सुविधा है क्योंकि सड़क पार करते ही सामने ही जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है वो है, तो इसलिए जो कम्यूटिंग की दिक्कत एक होती थी वो दिक्कत का भी समाधान इस ट्रेन के जरिए हो सकता है। अखिलेश, थोड़ा सा इस पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप उसको साफ कर दें तस्वीर को। आप बता रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के सामने ये बनाया गया, शिलान्यास है या उद्घाटन है? बनकर तैयार हो चुका है जैसा आप बता रहे हैं? जी हाँ, बनकर तैयार हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा भव्य इमारत जो है वो बन गई है और इसको जो है उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है और ऑडिटोरियम भी है। और जहां तक शिलान्यास की बात आप कर रहे हैं, वो दिल्ली प्रदेश कार्यालय का निर्माण जहाँ होना है उसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा, भूमि पूजन का, उसमें भी पीएम मोदी जी के हाथों ही ये होना है। और ये दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर अभी पंडित पंत मार्ग पर है, जब ये नया बन जाएगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, तो उसके बाद दिल्ली बीजेपी का काम भी इसी नए कार्यालय के जरिए हो सकेगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन जो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है जिन इमारतों का, वो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और साथ ही ऑडिटोरियम। ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर से आने वाले लोगों के रुकने के लिए जैसा आप बता रहे हैं, या फिर जो लोग बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं उनके भी एकोमोडेशन का इंतजाम किया गया है? और कितना बड़ा है ये परिसर, अगर अखिलेश आपके पास जानकारी हो? जो हमें जानकारी दी गई है, इसमें काफी सारी जो है बनाई गई है, इमारतें भी हैं और साथ ही इसमें रेजिडेंशियल जो है फ्लैट की सुविधा भी दी गई है। और देश भर में जो बीजेपी के संगठन महामंत्री स्तर के नेता है जो दिल्ली आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। अमूमन वो अपने राज्य के या तो सांसदों के घरों में रुकते हैं या फिर कहीं और कार्यकर्ताओं के घरों में रुकते हैं, तो इस दिक्कत का भी समाधान इसके जरिए हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरती उतार रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर उपस्थित हैं। और ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं शारिक की यही जो मॉडल है इसका देश भर में जो नए बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं वहां पर इसको फॉलो किया जा रहा है, जहां पर की दफ्तर भी होता है यानी कार्यालय भी नीचे है और साथ ही ऊपर जो है वो वरिष्ठ नेताओं के रहने की व्यवस्था भी होती है। कई बार हमने देखा है कि यहाँ तक के गृहमंत्री अमित शाह भी और उनके स्तर का भी जो दिग्गज नेता है वो भी जब जाते हैं कई अन्य राज्यों में तो वहां पर वो बीजेपी कार्यालय के ऊपर बने आवासीय परिसर में ही रुकते हैं। तो वहां रुकने में सुविधा ये होती है कि आप वहीं पर जो बैठक वगैरह है वो देर रात तक कर सकते हैं, तमाम नेताओं पर मौजूद रहते हैं। और इसी यही मॉडल को अब दिल्ली में फॉलो किया जा रहा है। हालांकि चूंकि ये जो बीजेपी का नया मुख्यालय ये काफी पहले बन चुका है और इसलिए नए जो सामने की जमीन थी उस पर ये काम शुरू किया गया था, इसका काम अब पूरा हो गया और यहाँ पर अभी इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। और इस आवासीय परिसर में व्यवस्था की गई है, साथ ही सभागार भी एक जो है वो बनाया गया है जहाँ पर कि तमाम बड़े कार्यक्रम आसानी से हो सकते हैं। हालांकि एक छोटा ऑडिटोरियम जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर है, लेकिन वहां पर उस तरह से 5,000-10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती है जिस तरीके हम देखते हैं कि चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी जब आते हैं और तमाम नेताओं के साथ वो संबोधन करते हैं तब वो सीढ़ियों पर ही कार्यक्रम होता है। लेकिन ये नया सभागार बन जाने के बाद ये सुविधा हो जाएगी कि वो संबोधन जो है वो बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। अखिलेश, जहां ये सारे नेतागण बैठे हैं जिसमें दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी दिख रहे हैं, बाकी लोग भी दिख रहे हैं, ये क्या वही ऑडिटोरियम है जिसका उद्घाटन किया है अभी प्रधानमंत्री ने? जी हाँ, बिल्कुल यही ऑडिटोरियम है और इसी का उद्घाटन इस समय चल रहा है कार्यक्रम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ पर की पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा है और वहाँ पर पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। और ये इस कार्यक्रम के साथ ही जो है इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हो जाएगा इस सभागार का। और इस सभागार की जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपने भी देखी है तमाम नेताओं के बैठे हुए, उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। जो बीजेपी का पुराना दफ्तर था शारिक, अगर आपको याद होगा अशोका रोड पर, वहां पर भी एक कुशाबाऊ ठाकरे जी के नाम पर सभागार बनाया गया था जहां पर की अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और साथ ही मोर्चे की या पार्टी की अन्य बैठकें हुआ करती थी, लेकिन उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन चूंकि अब ये बड़ा मुख्यालय बना है और पार्टी का विस्तार भी हुआ है तो उस लिहाज से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ये बड़ा सभागार बनाया गया है जिसका कि उद्घाटन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। अगर अखिलेश देखें तस्वीरों में तो एक खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है जिसमें सारे भगवान मौजूद हैं। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित भी करेंगे या ये कार्यक्रम इसके बाद खत्म हो जाएगा? ठीक है, अभी देखना होगा। हालांकि संभावना इस बात की है कि उनका संबोधन भी हो और साथ ही जैसा मैंने बताया आपको कि सभागार के साथ साथ ही आवासीय परिसर है उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं वो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है और अब
दीनदयाल उपाध्याय जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी के जो एक बूथ बनाए गए हैं वहां पर उनको फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि पीएम मोदी दे रहे हैं। ये दोनों ही दिग्गज नेता हैं, बीजेपी जनसंघ के सबसे ज्यादा सम्मानीय नेताओं में से हैं और उन्हें अब फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि पीएम मोदी दे रहे हैं। और इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा जिसमें की ऑडिटोरियम का उद्घाटन है, एक तरह से पूजा अर्चना के बाद ये कार्यक्रम जो है सम्पन्न हो जाएगा। और इसमें एक कार्यक्रम और भी जोड़ा गया है जो कि दिल्ली बीजेपी का प्रदेश बीजेपी का जो कार्यालय है उसके लिए भी भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी जमीन इसी मार्ग पर आगे दी गई है और वहां पर भी दिल्ली बीजेपी का दफ्तर जो है बनेगा जो फिलहाल पंडित पंत बाग पर चलता है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। और 6 अप्रैल को आपको बता दूं कि बीजेपी का फाउंडेशन डे है, बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है, तब तक संसद का जो सत्र है वो चलेगा। इसमें ये कहा गया था कि सत्र जो है पहले समाप्त हो सकता है लेकिन अब बता दिया गया कि संसद का सत्र जो है बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। और 6 अप्रैल को ही सारे बीजेपी सांसदों को रहने के लिए कहा गया है, बीजेपी स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम संसद भवन में भी होगा। उसी दिन से बीजेपी ओबीसी के मुद्दों को लेकर पूरे देश में आंदोलन भी चलाएगी, अभियान भी चलाएगी, जिसका कि जिक्र हम कर चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है, केंद्रीय मंत्री भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं और ये एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है आज, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर देखें अखिलेश, तो आज ही जहां तक मुझे ठीक से याद है आज संसदीय दल की बैठक में उन्होंने यह मंत्र भी दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जाकर 15 मई से 15 जून तक बताइए कि इन 9 सालों में हमने क्या कुछ आपके लिए किया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले उसकी कवायद अब तेज की जा रही। जी हाँ, ये लगातार बात वो कह रहे हैं। अभी हाल ही में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि केवल 400 दिन अगले लोकसभा चुनाव के लिए बचे हैं और ऐसे में पूरी तैयारी के लिए जुट जाएं। आज भी उन्होंने सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर अपने जो काम है सरकार का पिछले 9 साल का उसके बारे में लोगों को बताएं। और जो 9 साल है मोदी सरकार के वो मई में पूरे हो जाएंगे और उसके लिए बीजेपी ने 1 महीने तक भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाने का फैसला किया। उसके लिए 6 कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्षता में 6 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, उसमें एजेंडा तय किया गया है, उसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है कि उसमें क्या कहना है और क्या क्या बताना है लोगों को बीच में जाकर। और आज इसकी जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें पीएम ने ये भी कहा कि आने वाले समय में लड़ाई के लिए तैयार रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हमले जो है वो और भी तेज होंगे। ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों की ओर से हमले और भी तेज होंगे तो इसके लिए भी तैयार रहें। तो ये भी आगाह एक तरह से पीएम मोदी ने सांसदों को किया है, उन्होंने कहा कि अभी जो ये हो रहा है इसके बाद आगे लड़ाई और भी तेज होगी, इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। तो जो अभी वर्तमान में चल रहा है कि पिछले 11 दिनों से संसद के बजट सत्र में कोई काम नहीं हो सका, लगातार हंगामा हो रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से, उसका भी उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है और कहा है कि जो विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं आने वाले वक्त में और तेज होंगे, इसके लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार रहे, ये सांसदों को उन्होंने आगाह किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जो सिटिंग कैपेसिटी आपका आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग इस सभागार में एक साथ बैठ सकते हैं। और ये बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बनाया गया, सड़क पार करते ही आप इस आवासीय परिसर और सभागार में जा सकते हैं। अखिलेश, थोड़ा सा अगर इसी मुद्दे पर बात करें, 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है? बीजेपी आपको आत्मविश्वास है, बीजेपी को लगता है कि विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ है और राहुल गांधी को अब पिछले 6 महीने में जिस तरह की लोकप्रियता मिली है और जिस तरह से राहुल गांधी फोकस में आ गए हैं उसके चलते विपक्षी पार्टियों में एकता और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो या फिर दूसरे नेता हो, वो उनके नाम पर तैयार नहीं होंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी के फोकस पर रहने से बीजेपी को एक तरह से फायदा मिलता है और बीजेपी की रणनीति भी यही है। बीजेपी ने देखा है कि 2014 में 2019 में जब भी मोदी बनाम राहुल हुआ तो उसमें बीजेपी को फायदा मिला, तो बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। हालांकि अभी तक राहुल गांधी की ओर से कोई पिटिशन जो है वो फाइल नहीं की गई है, जो सजा उनको हुई है या जो उनकी दोष सिद्धि हुई उसको रोक लगाने के लिए। तो ये एक तरह से बताता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की भी रणनीति यही है कि राहुल गांधी संसद में ना रहे, राहुल गांधी सड़कों पर रहे और राहुल गांधी को सहानुभूति मिलती रहे। तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में अगर सीधे तौर पर टक्कर होती तो इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पीछे छूट जाती है, शायद ये दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों को सूट भी करता है।
कि क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत जो जिस तरह से बड़ी है पिछले 10 वर्षों में, अगर उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे वो अगर कम हो तो शायद उसका फायदा उन्हें मिले। ये भी सब रणनीति का हिस्सा है, लेकिन पार्टी का विस्तार जिस तरह से होता है शारीरिक, उसका एक उदाहरण आप देखिए कि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी तो अशोका रोड से पार्टी का कार्यालय तब चलता था और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया गया। आज करोड़ों सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी बन चुकी है, इसके करोड़ों सदस्य सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, जिस तरह से कार्यालय बनाए जा रहे हैं, सभागार बनाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी आने वाले कई वर्षों के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे 2009 में, तो उसमें तय कर लिया गया था सभी कि पूरे देश में हर जिले में बीजेपी का कार्यालय अपना होगा और वही किया गया और उसके बाद हमने देखा कि हर जिले में अब करीब करीब बीजेपी के हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। हाल ही में हमने ये भी देखा कि बीजेपी का जो भोपाल का कार्यालय है उसकी भी नींव रख करके आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो वहां पर भी कामकाज शुरू होगा। तो इस तरह से हर राज्य में अपना एक भव्य कार्यालय जो कि आने वाले वर्षों के लिए अपने आप को तैयार कर सके और साथ ही हर जिले में भी अपना एक कार्यालय ताकि मजबूती पार्टी को हर जगह मिल सके। ये आपने अगर देखा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी थी 1952 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब कांग्रेस पार्टी के साथ ये स्थिति थी कि आपको हर जिले में नहीं बल्कि हर ब्लॉक में तहसील में भी कांग्रेस का दफ्तर मिल जाया करता था। उसकी जो जमीनी ताकत है पार्टी को कांग्रेस को मिलती थी और वही मॉडल एक तरह से बीजेपी का भी है कि हर जगह अपनी पैठ अपनी मौजूदगी उसको दर्ज कराया जाए और उसके लिए इस तरह से हर जिले में बीजेपी के कार्यालय जो है वो बनाए जा रहे हैं और वहीं पर सभागार भी होंगे, वहीं पर आवासीय परिसर भी होंगे ताकि जो वरिष्ठ नेता है मंत्री है वो जाकर वहां रह सकें। और ये एक बड़ी रणनीति के तहत ये पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से और उसका एक नमूना भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है उसके ठीक सामने दिल्ली में यहाँ पर ये आवासीय परिसर और एक ऑडिटोरियम उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अखिलेश, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, मुरली मनोहर जोशी बहुत दिनों बाद एक जमाने के बाद मंच पर साथ दिखे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद कहा कि आगे आप आइए और दीप उनके हाथ में दिया और कहा कि इसे आप जलाएं। जी हाँ, बीच बीच में हालांकि मुलाकात होती रहती है, जब उनका जन्मदिन था तब भी हमने देखा था कि उनसे मुलाकात हुई थी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए गए थे और चाहे मुरली मनोहर जोशी हो चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, समय समय पर दोनों ही वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होती रहती है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। और ये जब एक बड़ा मौका है बीजेपी के लिए, भावुक करने वाला क्षण है कि जब इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो रहा है, एक ऑडिटोरियम बन रहा है, उन्हें मंच पर जगह दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद उनके बगल में मुरली मनोहर जोशी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने यात्रा निकाली थी तिरंगा यात्रा जिसमें कि नरेंद्र मोदी ने तब हिस्सा लिया था, वो आप उन दिनों को भी याद कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि पूर्व अध्यक्ष अमित शाह वो भी मंच पर मौजूद है, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी उन्हें भी मंच पर जगह दी गई, तो बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्हें मंच पर बुलाया गया है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अखिलेश, यहाँ पर एक सवाल था कि जैसा हम लोग जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी और विपक्ष के चेहरे के तौर पर, किसी बहुत सारे जानकारों ने ये कहा कि राहुल की मोहब्बत में कहीं बीजेपी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं निकल गई जिसने विपक्ष को एक साथ एक मंच पर खड़ा कर दिया, क्योंकि टीएमसी एक जमाने के बाद उस बैठक में पहुंची थी। देखिए, ये मुद्दे पर समर्थन जरूर दिया है टीएमसी ने, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का भी बयान आया था जी, जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहती है और नरेंद्र मोदी के लिए तो राहुल गांधी टीआरपी है, ये सारी बातें वो कह चुकी है। तो यानी उन्हें इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी अगर सेंटर स्टेज में रहते हैं तो इससे टीएमसी हो या बीआरएस हो, इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान है। और आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी का जो पूरा मामला हुआ है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, हालांकि उनकी पार्टी ने जरूर इसका विरोध किया है और जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है कि किस तरह से राहुल गांधी के बढ़ रहे कद को लेकर के, आप कहें कि राहुल गांधी को जिस तरह से सेंटर स्टेज में लाया गया और इसको लेकर के कांग्रेस की रणनीति है कि उनके नाम पर अब सहानुभूति ली जाए, उसे लेकर के क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ी असहज दिख रही है, क्योंकि ये मुद्दा उनकी सदस्यता जाने का था। आज राहुल के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है,
ये बड़ा कारण रहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। ये कार्यक्रम जो है इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है सारी, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहा गया है कि वो पीएम मोदी का स्वागत इस कार्यक्रम में करें। और जैसा मैंने कहा है कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष उन सभी को इस मंच पर जगह दी गई है। अमित शाह मंच पर पूर्व अध्यक्ष के नाते यहाँ पर उपस्थित है, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री वो भी इसी नाते इस मंच पर मौजूद है, मुरली मनोहर जोशी को भी इसीलिए मंच पर आमंत्रित किया। अखिलेश आप हमारे साथ बने रहे हैं, ये जो तस्वीरें और जो उनका अभिवादन किया जा रहा है उसे भी हम दर्शकों को सुनाते हैं और फिर आपके पास अगले सवाल के साथ जुड़ते हैं। थोड़ा आप हमारे साथ बने रहें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाद अब बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो रहा है और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के ऑफिस का शिलान्यास। हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी जी के स्वागत के लिए प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगी कि अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुरली मनोहर जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि से स्वागत करिए हमारे वरिष्ठ गणों का। ये तस्वीरें आप उस ऑडिटोरियम से देख रहे हैं जिस ऑडिटोरियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है। ये ऑडिटोरियम और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ठीक सामने बना है बीजेपी का जो दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उसके सामने इसका उद्घाटन हो रहा है। इस ऑडिटोरियम में हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम है जो आज खचाखच भरा नजर आ रहा है। मंच पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, मुरली मनोहर जोशी मौजूद हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा नितिन गडकरी भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता देश भर से दिल्ली आते हैं उनके रहने के लिए उन्हें या तो अपना इंतजाम करना पड़ता है या भटकना पड़ता है, तो उनकी परेशानियों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक आवासीय परिसर यानी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आकर वहां ठहर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये जो नया ऑडिटोरियम है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंच पर बीजेपी के वर्तमान तथा तमाम जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्हें जगह दी गई है, जिसमें कि मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह और नितिन गडकरी उन्हें भी मंच पर स्थान दिया गया है। ये बीजेपी के लिए आज एक बड़ा मौका है कि जब दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद उसके ठीक सामने बनाए गए एक आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये जो नया आवासीय परिसर और सभागार है वहां से आ रही है जहां पर की तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, ये दर्शकों की दर्शक दीर्घा में मौजूद है। और आप इससे तस्वीर को देखकर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ऑडिटोरियम बनाया गया है जहां पर की बड़ी संख्या में जो लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बीजेपी के नेता वहां आ सकते हैं, पार्टी की बड़ी बैठकें वहां हो सकती हैं और इसके साथ साथ कई कार्यक्रम भी बीजेपी के इस ऑडिटोरियम में संपन्न हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक आवासीय परिसर भी बनाया गया है जिसका उद्देश्य ये है कि देश भर से जो बीजेपी के संगठन मंत्री, महामंत्री आते हैं उन्हें रुकने के लिए यहाँ पर जगह मिल सकेगी। और पीएम मोदी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इसका उद्घाटन करते हुए लोकार्पण किया है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का विस्तार, इसे यह नाम दिया गया है, जिसमें कि आवासीय परिसर और साथ ही एक बड़ा सभागार भी है। तो इस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल से इसका उद्घाटन किया है और अब ये जो नया आवासीय परिसर है और सभागार है यानी जो केंद्रीय कार्यालय का विस्तार है उसका लोकार्पण अब कर दिया गया है। मंच पर अब बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्हें भी जगह दी गई है, मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर आए और अब एक वीडियो दिखाया जा रहा है, आइए सुन लेते हैं। कार्यकर्ता ने चुनौती को अवसर मानकर कार्य किया और जनता का विश्वास हासिल किया है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भाजपा का अपना केंद्रीय कार्यालय परिसर जरूरी था। इसी विचार के साथ पार्टी ने 2016 में अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय की परिकल्पना की। 18 अगस्त 2016 को दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर
नए भाजपा केंद्रीय कार्यालय की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में रखी गई। अपने उद्देश्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है और पार्टी ने 18 फरवरी 2018 को जा रहा है जहां पर की बीजेपी का जो नया आवासीय परिसर है सभागार है कार्यक्रम उसके बाद से कश्मीर से कन्याकुमारी का बटन दबाकर भाजपा का जनाधार लगातार केंद्रीय कार्यालय का विस्तार कहा जा रहा है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पार्टी को केंद्रीय कार्यालय का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वीडियो है जो कि इस समय बीजेपी के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है। बीजेपी का नया भव्य केंद्रीय कार्यालय बना है उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो केंद्रीय कार्यालय उसका विस्तार का नाम इसको दिया गया है जो कि ठीक सामने है और इसमें आवासीय परिसर है ताकि जो देश भर से बीजेपी के संगठन मंत्री महामंत्री यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ पर रहने की दिक्कत दिल्ली में ना हो, यहाँ पर आकर आराम से रह सकते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न अवसरों पर उसमें जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद होते हैं जी अखिलेश ना हो इसके लिए ये सभागार बनाया गया। अखिलेश एक छोटा सा सवाल था आपसे, अगर हम बीजेपी के बदलते स्वरूप को देखें 2014 के बाद से तो जैसे कोई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चलती है, इन पॉजिटिव वे मैं बात कर रहा हूँ, एक कॉर्पोरेट की तरह एक पूरा एक कल्चर है, चाहे वो बीजेपी ऑफिस हो उस ऑफिस में काम करने वाले हों, डेटा कलेक्ट करने वाले हों या फिर सारी चीज़ों का हिसाब रखने वाले हों, तो उन्होंने राजनीति को एक तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ बदला भी है। देखिए ये जनसंघ के जमाने से बीजेपी का जनसंघ का रहा है कि वो हमेशा जो तकनीक होती है उसको तुरंत अडॉप्ट करते हैं, उसको ज्यादा देर वो नहीं लगाते हैं। जब कंप्यूटर आया भी था शुरुआत में तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब महासचिव थे पार्टी के सबसे पहले वो अपना लैपटॉप लेकर के आए थे और सब तरह कैलकुलेशन सब वो करते थे। इसी तरह से आडवाणी जब उन्हें जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो उनकी पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पर चली थी। इसी तरह से जब गुजरात में नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री तो वहां पर भी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, ये बीजेपी हमेशा से करती आई है। और जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो बीजेपी ने केवल केंद्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ तक जाकर के मैनेजमेंट किया है और बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, पन्ना प्रमुख तक का उन्होंने कॉन्सेप्ट किया है और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। जो देशव्यापी अभियान चला था सदस्यता का वो भी इसका एक उदाहरण है कि किस तरह से पूरे देश में मिस कॉल देकर के लोग जो है वो सदस्य बन सकते थे और जब सदस्य